पुलिस के साथ हाथ में तमंचा लिए यह तस्वीर है वांछित अभियुक्त शुभम पुत्र हरद्वारी निवासी ग्राम बदौवा थाना मिश्रिक जनपद सीतापुर की। अभियुक्त की गिरफ्तारी के जारी किए गए प्रेस नोट और इसकी गिरफ्तारी के बीच में जो कुछ आज कोतवाली मिश्रिक में हुआ वह चर्चा का विषय बन गया। मौका था थाना समाधान दिवस का, लेकिन मिश्रिक पुलिस के लिए आज का दिन किसी समस्या दिवस से कम नहीं रहा। वांछित अभियुक्त को जेल ले जाते टेम्पो को परिजनों ने रोक कर किया हंगामा। इस घटना में परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने फर्जी मुकदमा लगाकर आरोप सिद्ध करते हुए युवक को जेल भेजा है और इसी बात को लेकर परिजन अड़े रहे, जिसे शांत कराने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस मामले में विवाद उस समय पनपना शुरू हो गया जब अभियुक्त की दो बहनें स्कूल के बाद अपने भाई से मिलने कोतवाली पहुंची। यदि उन बालिकाओं की माने तो पुलिस द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यह बात जब परिजनों को मालूम हुई तो सैकड़ों लोग कोतवाली गेट के बाहर इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे, जिस मामले को शांत कराने में पुलिस को कई घंटे का समय लग गया। इस मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस पर और भी कई आरोप लगाए हैं। इस मामले में मिश्रिक पुलिस और परिजनों के बीच छींटाकशी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जबकि मिश्रिक पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर मामले पर चुप्पी साध ली है। इस वाले? हम और मेरी बहन दोनों लोग स्कूल से सीधे खाने गए जी। तो आप बोले कि हमें अपने भाई से मिलना है, तो वो बोले किससे, तो मैं शुभम संग्राम को हमको बदौवा से आए हैं अभी, तो कहे वो गंदी गंदी गाली देने लगे, कहने लगे तेरी मम्मी एसपी साहब को मेरी कंप्लेंट करी है, तेरे भाई का देखो क्या हाल करते हैं, और वो भी गंदी गंदी गालियों से और धक्का मार कर निकाल दिया।